हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको थर्ड क्लास में EBS का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है एनिमल्स। तो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनिमल्स आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, तो इस लेसन में एनिमल्स की कितनी विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के साइज के बारे में पढ़ेंगे, उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ रहते हैं के हैबिटेट्स जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, विविधताएं जानवरों में, विविधता। वी कैन सी एनिमल्स एवरीवेयर, हम जानवरों को विभिन्न जगह देख सकते हैं। दे लिव ऑन लैंड, जमीन पर रहते हैं। वाटर, एयर एंड अंडर द ग्राउंड, जमीन पर रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं और जमीन के अंदर भी रहते हैं। सम एनिमल्स आर बिग, सम आर स्मॉल एंड सम अदर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो जानवर होते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, बड़े और छोटे जानवर। देखिए, जैसे आपके ये पोलर बियर बना है, ये एलिफेंट बना है, ये फिश है। तो बिग एंड स्मॉल एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल आर फाउंड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। दे वेरी इन देयर शेप साइज, शेप एंड साइज, वो आकार और आकृति में अलग अलग होते हैं। जैसे एलिफेंट, व्हेल्स, लॉयन, जिराफ ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ सम बिग एनिमल्स। बिग एनिमल्स में कौन से आ गए, एलिफेंट आ गया, व्हेल्स, लॉयन, जिराफ ईटीसी। व्हाइल आंट, रेट, बटरफ्लाई, स्क्वायरल ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के अंतर्गत। जैसे चूहे, चीटी, बटरफ्लाई, तितली, स्क्वायरल, गिलहरी, ये छोटे एनिमल्स हो गए। हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, हैबिटेट मतलब उनके आवास की जगह, उनका आवास। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, विभिन्न तरह के जानवरों का जो आवासीय स्थल होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, पेंगुइन्स एंड पोलर बियर्स लिव इन कोल्ड रीजन। पेंगुइन और पोलर बियर होते हैं वो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। कैमल्स एंड कैमलियन लिव इन हॉट डेजर्ट। कैमल, ऊंट और कैमलियन, एक गिरगिट होता है, ये कहाँ पर रहते हैं, हॉट रीजन, हॉट डेजर्ट में, गर्म रेगिस्तानों में रहते हैं। फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल लिव बोथ अंडर वाटर एंड ऑन लैंड। जो फ्रॉग होता है, क्रोकोडाइल होता है, टर्टल होते हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियन, इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एनिमल्स लाइक फिश लिव बोथ इन ओनली इन वाटर, जो फिश होती है वह केवल पानी के अंदर ही जीवित रह पाती है। लैंड एनिमल्स, जमीन पर रहने वाले जानवर। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स, जो जमीन पर जानवर रहते हैं वो लैंड एनिमल्स कहलाते हैं। दे हैव सम स्पेशल बॉडी फीचर्स, उनके कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर एडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड, जो कि जमीन पर रहने के लिए उन्हें अनुकूलित बनाते हैं। दे मूव ऑन लैंड विथ द हेल्प ऑफ लिम्ब, वो अपने पैरों की भी लिम्ब जो होती हैं उनसे जमीन पर चलते हैं। एंड दे हैव लंग्स टू ब्रीथ एयर, और हवा में सांस लेने के लिए उनके लंग्स होते हैं। एनिमल्स लाइक रैबिट, याक एंड स्नेक लिव ऑन फ्लैट प्लेन। एनिमल्स जैसे रैबिट, याक और ये स्नेक्स होता है, ये प्लेन समतल मैदानों में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर। एनिमल्स विच लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो जानवर जंगलों में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं। लॉयन, टाइगर, चीता, पेंड्राज, डियर, हिनाज, एलिफेंट, फॉक्सेज इटिस, जैसे इन जानवरों के लॉयन, टाइगर, चीता, पेंड्राज, डियर, हिनाज, एलिफेंट, फॉक्सेज, ये सभी क्या हैं,
ये सम एनिमल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये सभी जंगली जानवरों के उदाहरण हैं। ये फॉक्स, ये पेंड्रा और ये चीता बना हुआ है। डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक मतलब घर में रखने वाले एनिमल, एनिमल्स विच स्टे इन आवर हाउसेज एंड इन फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। ऐसे जानवर जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं, अपने खेतों पर रख सकते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, गोट, बफेलो, हैंस एंड हॉर्सेज आर केप्ट इन फार्म। जैसे काउ, गोट, बफेलो, हैन और हॉर्सेज घोड़े, इनको हम अपने फार्म में रख सकते हैं खेतों में। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट स्टे इन अवर हाउस। डॉग और कैट ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम अपने घरों पर रख सकते हैं। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स और इनको पालतू जानवर भी कहते हैं। ये एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कौन होते हैं? जो जल के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल ईटीसी। जैसे मछली, ऑक्टोपस और व्हेल, ये व्हेल भी एक मछली ही है, लिव अंडर वाटर, ये कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, इन जानवरों को एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं या हिंदी में जलीय जीव कहते हैं। फिशेज हैव गिल्स, मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं। विच हेल्प देम इन ब्रीथिंग, जो कि उनकी सांस लेने में मदद करते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ईटिंग हैबिट्स क्या है एनिमल्स की, खाने की आदतें क्या हैं? हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जानवर। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो केवल पौधों को खाते हैं उनको हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गाय, बकरी, खरगोश और हिरण, ये क्या होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स, एनिमल्स विच फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लायन, टाइगर, फॉक्सेस, चीतास, क्रोकोडाइल ईटीसी। उदाहरण के तौर पर जैसे लायन, टाइगर, फॉक्सेज, चीता, क्रोकोडाइल्स ईटीसी, ये क्या है? ये कार्निवोरस, टाइगर, फॉक्स, ये चीता, ये सभी क्या होते हैं? ये कार्निवोरस एनिमल होते हैं, मांसाहारी होते हैं, दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोरस एनिमल, ओमनीवोरस मतलब सर्वभक्षी जानवर। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं उनको ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, क्रो, कोवा, मंकी ईटीसी। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स मतलब विलुप्त होने वाले जानवर या विलुप्त हो चुके जानवर। एनिमल्स विच हैव टोटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ऐसे जानवर जो पृथ्वी से पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, अदृश्य हो चुके हैं, जैसे डायनासोर, वॉली, राइनोसेरोस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ये वॉली राइनोसेरोस है, ये डायनासोर है, ये हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुके हैं। इनडेंजर्ड एनिमल, इनडेंजर्ड मतलब खतरे में है जो जानवर। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर किल्ड बाई ह्यूमन बींग फॉर डिफरेंट पर्पज। बहुत अधिक संख्या में जानवरों को मनुष्यों के द्वारा मारा जाता है विभिन्न तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने अपने कामों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। एनिमल्स विच आर अबाउट टू बिकम एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इनडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि एनिमल्स विच आर अबाउट टू बिकम एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इनडेंजर्ड एनिमल। ऐसे जानवर जो खत्म होने वाले हैं या मनुष्यों के द्वारा बहुत अधिक मारे जा रहे हैं, वो क्या है? खतरे में है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल द जाइंट पेंडा, वाइल्ड कैट, हाउस स्पैरो, लियोपार्ड, वाइल्ड ईगल ईटीसी आर सम एंडेंजर्ड एनिमल्स। ये जानवर ऐसे हैं कि अब ये खतरे में हैं, अगर इसी तरह लोगों के द्वारा मारे ख़त्म किए गए मारे गए तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये जानवर भी पूरी तरह से हमारी पृथ्वी पर इनकी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। सेविंग एनिमल्स, एनिमल्स को बचाना। ह्यूमन बींग्स किल एनिमल फॉर देयर ओन नीड्स, जो मनुष्य होता है वो अपने जानवरों को मारता है अपने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए। सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर, कुछ जानवरों को उनके फर के लिए मारा जाता है। सम अदर आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, कुछ उनके शारीरिक भागों के लिए मारा जाता है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क एंड टाइगर आर किल्ड फॉर देयर स्किन, हाथी होता है वो टस्क मतलब जो उसके हाथी के दांत होते हैं बाहरी दांत होते हैं उनको टस्क बोला जाता है, तो हाथी को उन दांतों के लिए मारा जाता है। टाइगर को उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं उनको भोजन पौधों से मिलता है। एंड प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स, और वो उसके बदले पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोगी होती है। इफ बी किल एनिमल, यदि हम जानवरों को मारेंगे देन इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स, तो इससे पौधों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। फाइनली बी वुड बी अफेक्टेड ड्यू टू पायोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड फूड मटेरियल्स, और यहाँ तक कि हमें अपने भोजन की भी कमी महसूस होगी। शो बी शुड सेव एनिमल्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, तो प्रकृति में इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए पौधों की जानवरों की सभी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो यह लेसन आपका फिनिश हुआ। थैंक यू।